पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में सर्दी का तांडव जारी है। तो वहीं घने कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। सर्दी के साथ घने कोहरे ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दिल्ली में सर्दी सितम ढा रही है तो श्रीनगर में पारा शून्य से नीचे चला गया है। वहीं राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में सर्दी अपना पूरा असर दिखा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार भी शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में सर्दी के साथ ही घना कोहरा भी लोगों को परेशानी बढ़ा रहा है। दिल्ली वासियों की सुबह घने कोहरे के बीच हुई ये तस्वीर दिल्ली के राजपथ की है, जहां घना कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई। राजपथ पर गणतंत्र दिवस के लिए परेड रिहर्सल चल रही है। वहीं घने कोहरे की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ, लोगों को वाहनों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में सर्दी कोहरे के साथ ही हवा की क्वालिटी भी खराब हो गई है, जिसने स्थिति को चिंताजनक बना दिया है। शहर के कई जगहों पर AQI काफी खराब है। तो वहीं मौसम विभाग ने आज भी कड़ाके की सर्दी की आशंका व्यक्त की है। लिटिल फॉग एंड वेरी लिटिल पोल्यूशन, यू कैन से नॉट सो मच। इस बार थोड़ा पोल्यूशन कम है, बट है पोल्यूशन। पहले मतलब बीच में ठीक था, बट अभी जो ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा कोहरा भी हो रहा है, प्लस में पॉल्यूशन था ही। कभी कभार ऐसा लगता है जैसे सांस लेने में बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टीज होने लगती है, ये चीज है। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, मतलब डिफिकल्टीज आपको होती है सांस लेने में? देखो स्टार्टिंग में तो हमें क्या करना चाहिए, बॉइल्ड वाटर सबसे पहले हमें लेना चाहिए मॉर्निंग में, तभी उससे हम क्या कर सकते हैं सारी चीजें, मतलब आगे जितने भी हम शेड्यूल के हम कोई भी काम करने वाले उसमें हम आगे कई काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में दिन का तापमान सामान्य रहने के बावजूद रात में हाड़ कपाने वाली ठंड से अभी तक कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। श्रीनगर में शून्य से नीचे तापमान जाने से विशेषकर जलाशय अधिकतर हिस्सों में नलों में पानी जम गया है। मौसम विभाग की ओर से जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्थानों में 27 दिसंबर को भारी हिमपात होने का अलर्ट जारी किया गया, वहीं 26 दिसंबर को भी हिमपात की संभावना व्यक्त की गई है। हरियाणा और पंजाब में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हिसार, आदमपुर तथा लुधियाना में पारा लुढ़क कर 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे ही दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार में तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब के आदमपुर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस और लुधियाना में 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रहा। सर्दी के साथ घना कोहरा भी पड़ रहा है। गुरुवार को लोगों के दिन की शुरुआत घने कोहरे के बीच हुई। वहीं राजस्थान का सीकर राज्य में सबसे ठंडा रहा, जहां बीती मंगलवार रात न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पिलानी में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सर्दी के साथ पड़ रहे कोहरे से लोगों की परेशानी दोगुनी हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्दी का सितम जारी है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश में कई जगह सुबह घने कोहरे के बीच हुई। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान शीतलहर पड़ने का अलर्ट जारी किया है। इस दरमियान सुबह और रात में कई इलाकों में घना कोहरा भी छाए रहने के आसार हैं। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा रहा, जहां रात का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बरेली, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर मंडलों में रात का तापमान सामान्य से कम रहा। बिहार के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बुधवार को भी मुजफ्फर, दरभंगा और छपरा में शीत दिवस यानी कोल्ड डे की स्थिति बनी थी। इन शहरों को अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे रहा। हालांकि बिहार में आने वाले कुछ दिनों में सर्दी से राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए बन इंडिया हिंदी के साथ।